दीवार के पार भी दुनिया है, उस दुनिया में भी टैलेंट पूरा है, और उस टैलेंट को ढूंढकर बुराई को भगाकर अच्छाई को जहन में उतारा जा सकता है। जी हाँ, यही दिखाती और बताती है निर्देशक नागराज मंजुले और लीड अमिताभ बच्चन की ये फिल्म झुंड। मेरे फिल्मी ज्ञान के अनुसार पहली बार किसी की लाइफ स्टोरी कर रहे अमिताभ बच्चन की लगभग 3 घंटे लंबी ये फिल्म एक समय पर फिल्म सुपर 30 की याद दिलाती है, तो एक समय पर जॉली की अदालत में दी गई जज को समझाने वाली ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल स्पीच को रिकॉल करवाती है। फिल्म की बात करें तो फिल्म विजय बरसे के ऊपर बनाई गई है, जो सबसे पहले लोगों की नजरों में आमिर के शो सत्यमेव जयते के दौरान आए थे, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन तेंदुलकर से रियल हीरो अवार्ड भी मिल चुका है। विजय बरसे फिलहाल रियल लाइफ में स्लम सॉकर के नाम से एक एनजीओ एकेडमी चलाते हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करता है, और इसी एकेडमी से अखिलेश पॉल नाम के एक खिलाड़ी को आप भारत के लिए एटीके मोहन बागान एफसी की टीम से खेलते हुए देख भी सकते हैं। खैर, आगे और भी बात करेंगे, लेकिन अब आपको फिल्म की कहानी बताते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक स्लम बस्ती से और चलती रेल से कोयला चुराते बच्चे और लोगों से, इसके साथ ही नशा करते नौजवानों से भी, और अमिताभ की एंट्री एक टीचर की ही तरह नशा कर झगड़ रहे लड़कों को दूर हटाने से। फिल्म में विजय बोराड़े यानी अमिताभ बच्चन एक बड़े से कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर तैनात होते हैं और बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट भी उसी दौरान आसपास होता है। कॉलेज की दीवार एक स्लम इलाके से मिली दिखाई जाती है और कॉलेज जाने के दौरान अमिताभ बच्चन एक दिन बारिश के कारण एक जगह रुक जाते हैं, जहां उन्हें स्लम बस्ती के सारे युवा एक टूटे डब्बे से फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं, और फिर अमिताभ भविष्य को देखते हुए फुटबॉल और 500 रुपए का लालच देकर उन बच्चों को रोजाना 40 मिनट फुटबॉल खिलाना और उनका जीवन सुधारने के लिए उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से शुरू होता है रियल लाइफ के विजय बरसे और रियल लाइफ में अमिताभ यानी विजय बोराड़े का सफर। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो प्रोफेसर का रोल निभा रहे और अपने खर्चे पर टूर्नामेंट का और बच्चों का भविष्य सुधार रहे विजय बोराड़े यानी अमिताभ बच्चन को जज करना शायद अंधेरे में रोशनी ढूंढने जैसा होगा। उनका काम हर बार की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में अंकुश मसराम उर्फ डॉन के साथ बाबू और बाकी कई बच्चों का अभिनय लाजवाब है। जी हाँ, रियलिस्टिक फील देता है, और फिल्म में खुद निर्देशक नागराज मंजुले भी आपको एक्टिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। फिल्म में अजय अतुल द्वारा दिए गए म्यूजिक की बात करें तो शायद यही एकमात्र वो असला है जो आपको लगभग 3 घंटे की लंबी फिल्म देखते हुए कहीं कहीं पर एंटरटेन करता रहेगा और एक जेन्युइन लोकल स्लम बैकग्राउंड का फील भी देगा। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, तो डायरेक्शन की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो एक राइटर के रोल में भी निर्देशक नागराज मंजुले को ही पाएंगे। इन्होंने खुद इस कहानी को लिखा है और फिर संवार कर पर्दे पर उतार दिया है। फिल्म में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया है, तो वापस जाइए और उस मैसेज को सुन लीजिए। इसके अलावा एक मोटिवेशन विजय बोराड़े से फिल्म में मिलता है कि आप अगर चाहें तो मंजिल आपके लिए आसान हो जाती है। फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा है और महिलाओं के अधिकारों या यूं कहें कि खेल के जज्बे को भी दिखाता है। अब फिल्म के लिए मेरे रिव्यू पर आएंगे तो भैया, मेरे हिसाब से ये बस एक एवरेज फिल्म है, और आप एक रियल लाइफ इंसान के नए कॉन्सेप्ट और मेहनत को देखना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। मेरे अनुसार इस फिल्म को मैं 5 में से केवल 2 स्टार दूंगा, और इसी के साथ वादा करता हूं कि आगे आने वाली सभी फिल्मों के लिए आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा और अपना रिव्यू और एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ।